नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED फोर्थ सेमेस्टर अंग्रेजी की तैयारी के क्रम में आज हम पहला वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर इसका जो पहला वीडियो है वो है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल इसका एक एक पॉइंट इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसके जो भी पॉइंट हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और वो भी हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या बोलते हैं, यानी इसके नाम क्या हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम लोग शॉर्ट में GTM भी कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब बात करते हैं इसके और नाम के बारे में। इसका जो दूसरा नाम है वो है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और US में इसे प्रोसियन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर कभी कभी सीधा प्रश्न आता है कि वॉट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एनी लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपको बताना होगा उसका आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, क्लासिकल मेथड के नाम से और कौन सा मेथड जाना जाता है, तो वहाँ पर भी आपको आंसर देना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। विच इस मेथड इज नोन बाय ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको वहाँ पर भी आंसर देना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये इसके नाम है। ओल्डेस्ट मेथड इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने टाइम से ये यूज़ हो रहा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है ये, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। सबसे पुराना जो मेथड है टीचिंग का वो यही है। क्लासिकल मेथड इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम है ट्रेडिशनल मेथड। क्यों कहते हैं इसे ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि यहाँ पर ये पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है और ये लगातार चला आ रहा है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत मेथड भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो आप समझ रहे हैं ये भी एक तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उदाहरण है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में यानी आपकी मदर टंग में समझा रहा हूँ और आप इसे अंग्रेजी में समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। हुआ क्यों हुआ, देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मुख्यतः होता ये है कि जब कुछ भी आपको जो फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी टारगेट लैंग्वेज उसे आपको सीखना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और उसके बाद उसको टारगेट लैंग्वेज यानी जो भी भाषा हम सीखना चाहते हैं उसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो ये है इसका लैंग्वेज सीखने का तरीका। ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो भी इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो इसके सेंटेंसेस हैं उसको सबसे पहले हम अपनी भाषा में सोचते हैं और फिर उसको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो इसकी पहली विशेषता है, फर्स्ट अप्रोच बाय डूइंग डिटेल इन द स्टडी ऑफ रूल्स। मैंने बताया इसका जो फर्स्ट अप्रोच है वो स्टडी ऑफ रूल्स है, यानी सबसे पहले हमें जो टारगेट लैंग्वेज है उसके रूल्स के बारे में पढ़ना होता है, तब जाकर हम टारगेट लैंग्वेज को सीख पाते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो टोटली डिडक्टिव मेथड पर बेस्ड है। डिडक्टिव मेथड का ये मतलब होता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसके रूल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में और उसके बाद एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जो भी हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं सबसे पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल, यानी इसे हम कह सकते हैं डिडक्टिव मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेन फोकस इसका जो होता है वो रीडिंग एंड राइटिंग पर होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी कभी सीधा एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो किस पर फोकस करता है, वो रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में प्रोनाउंसिएशन पर कोई अटेंशन नहीं होता, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आपने अगर रीडिंग और राइटिंग अच्छे से कर ली तो ये मान के चलो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अच्छे से आ जाएगा। इसमें प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो अगला पॉइंट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सेंटेंस बेस्ड मेथड है। ये यहाँ पर सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस पर बेस्ड होता है ये, यहाँ पर हर वर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी जो यूनिट एक तरीके से कह सकते हैं सेंटेंस है, सेंटेंस पर पूरा फोकस रहता है
और यहाँ पर ग्रामर जो है वो डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है, यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया, यानी पहले रूल्स देन एग्जांपल्स। यहाँ पर देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये मोस्टली राइटिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन पर होता है, यानी आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वहाँ पर ये क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और ये जो मदर टंग होती है वो इंस्ट्रक्शन का माध्यम होती है, जो मदर टंग है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। आप कभी देखोगे जब भी आपको कोई काम करने को दिया जाएगा या कह सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो काफ़ी सरल भाषा में दिए सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो मदर टंग में आपके दिए जाते हैं। मतलब ये है कि जो आपकी मदर टंग है, जैसे आपकी हिंदी मदर टंग है, तो वो क्या है वो एक माध्यम बन जाती है इंस्ट्रक्शन का। जब भी हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो मदर टंग में होंगे, ताकि आप आसानी से उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सीख सकें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के मेरिट्स के बारे में, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के मेरिट्स हैं, पहला है इकोनॉमिकल, यानी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इससे पढ़ाना सस्ता पड़ता है दूसरे मेथड की अपेक्षा। दूसरे मेथड कॉस्टली होते हैं लेकिन ये जो है ये इकोनॉमिकल है, मतलब ये सभी के बजट में फिट हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट इसका है, दूसरा जो इसका फ़ायदा है हम कह सकते हैं एडवांटेज है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, टाइम सेविंग है। जहाँ दूसरे मेथड में ज़्यादा टाइम टेकन होता है ये यहाँ पर कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। इसकी तीसरी जो एडवांटेज है वो है अननोन टू नोन, यहाँ पर हम सबसे पहले उन लोगों का रेफरेंस लेते हैं जो चीज़ें हमें नहीं पता, जो चीज़ें हमें नहीं पता, यानी सबसे पहले हम उन चीज़ों को लेते हैं जो हमारी पहुंच में नहीं है, या हम कह सकते हैं जो हमें पहले से नहीं पता है, और वहाँ से हम नोन की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो चीज़ें हमें पता हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। चौथा है यहाँ पर कन्वीनियंट फॉर दोज टीचर्स हु डोंट वॉन्ट टू यूज़ TLM। कई टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन वो TLM का यूज़ नहीं करना चाहते, तो ऐसे टीचर्स के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रमोट्स रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, अगला है ईजी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनके लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। यानी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के लिए अगर कोई भाषा सीखनी है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। इनहेंस वोकैब, ये हमारी वोकैब को इनहेंस करता है। यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसकी डीमेरिट्स के बारे में बात करें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं। डीमेरिट्स एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे मेरिट्स हैं आपके एडवांटेजेस और डीमेरिट्स हैं इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर पहला इसका डीमेरिट है लीव्स स्पीकिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये स्पीकिंग एस्पेक्ट को नेगलेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर स्पीकिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कल्चर स्पेसिफिक वर्ड हैव नो ट्रांसलेशन, यहाँ पर इसका जो दूसरा डीमेरिट है वो ये है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं उनका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हमें जो मदर टंग का वर्ड है वही यूज़ करना पड़ता है फॉरेन लैंग्वेज में। तीसरा यहाँ पर जो इसका डीमेरिट है वो स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इन मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट इन टारगेट लैंग्वेज विच इज़ ए बिग बैरियर इन कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले कोई अगर बात है तो उसको वो अपने मदर टंग में पहले सोचेगा और फिर उसको टारगेट लैंग्वेज यानी जो भी लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है उसमें वो ट्रांसलेट करेगा। तो ये जो है ये इंग्लिश के हिसाब से या हम कह सकते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के कम्युनिकेशन के हिसाब से ये एक बड़ी बाधा है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन हो जाता है। जब स्टूडेंट किसी भी चीज़ को पहले तो वो अपनी भाषा में सोचेगा फिर मन में ही उसको कन्वर्ट करेगा यानी ट्रांसलेट करेगा टारगेट लैंग्वेज में, तो
तो वो टाइम टेकन हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन लैंग्वेज यानी जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं उसी में आप सोच रहे हैं और आप उसी में बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा और हम लोग उसको ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से बोल पाएंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई नया स्टूडेंट है, मान चलो वो अभी अभी अंग्रेजी बोलना सीखा है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा सोच के बोलता है। वैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी लोग जो इंग्लिश बोल लेते हैं अच्छे से वो भी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा वो इंग्लिश मैनेज करनी पड़ती है अपने दिमाग में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप अमेरिकन्स को देखो, फटाफट वो लगातार अंग्रेजी बोलते जाते, जैसे हम लोग हिंदी में कम्युनिकेट कर पाते हैं आसानी से, वैसे ही वो अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी उनकी मदर टंग है और हम लोग मदर टंग में ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं बड़े ही फ्लुएंट तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि अगर स्टूडेंट पहले मदर टंग में सोचेगा और फिर उसको टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलेगा, तो वो एक बहुत बड़ी बाधा होगी कम्युनिकेशन यानी बातचीत में। तो यहाँ पर ये इसका तीसरा डीमेरिट है। तो इस तरह आपने देखे इसकी जो विशेषताएं हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो बता दीजिएगा, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे अगर आपको दो नंबर में ये प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न को आसानी से सिर्फ इतना ही लिखकर आसानी से दो नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।